हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए ईद पर बनने वाली स्पेशल सिवैयों के जर्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिवैयों के जर्दे को मीठी सिवैया या किमामी सिवैया भी कहा जाता है। सिवैयों के जर्दे की इस रेसिपी में मैं आपको इसे बनाने का एग्जैक्ट मेजरमेंट और जरूरी टिप्स भी बताऊंगी, जिससे सिवैयों का जर्दा एकदम सॉफ्ट और खिला खिला बनेगा। अगर आपको मेरी सिवैयों के जर्दे की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। सिवैयों का जर्दा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सिवैया। यहाँ मैं बारीक वाली लंबी और भुनी हुई सिवैया ले रही हूँ। सिवैयों को मैंने मसल कर बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया है, इससे यह खिली खिली बनती है और खाने में भी कन्वीनियंट रहती है। साथ ही हम लेंगे 2 से 3 हरी इलायची, 1 कप गर्म दूध, 1/2 कप चीनी। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून चीनी और ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप पानी। यहाँ मैंने जिस कप से सिवैया मेजर की थी उसी कप से दूध, चीनी और पानी को मेजर करा है। मिक्स्ड और चॉप ड्राई फ्रूट्स लेंगे। इसमें मैंने काजू, बादाम और किशमिश ली है। इनकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ग्रेटेड या चॉप कोकोनट, इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश मलाई, आप इसकी जगह खोया भी यूज कर सकते हैं। 7 से 8 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस या रोज एसेंस। 2 से 3 टेबलस्पून देशी घी। सबसे पहले एक सॉस पैन में चीनी और पानी डाल देंगे और इसे चीनी डिजोल्व होने व पानी में बॉईल आने तक कुक करें। शुगर सिरप में बॉईल आ जाए तो फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ढककर साइड में रख दें। ध्यान रखिए, हमें शुगर सिरप को बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, इसमें बॉईल आते ही फ्लेम ऑफ कर दें। अब जर्दा बनाने के लिए एक कढ़ाई में घी डाल देंगे और जब घी हल्का गर्म हो जाए तो इसमें इलायची खोलकर डाल दें और इसे 5 से 10 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर कुक करें। अब इसमें सिवैयों की चूरी डाल दें और इन्हें भी लो फ्लेम पर डार्क ब्राउन होने तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। भुनी हुई सिवैयों में गर्म दूध डाल दें। दूध डालते समय सिवैयों में एकदम से उबाल आता है तो दूध जरा ध्यान से डालें। दूध और सिवैयों को जल्दी से मिक्स कर लें और कढ़ाई पर ढक्कन लगाकर इसे 1/2 से 1 मिनट तक या सिवैया सॉफ्ट होने और दूध एब्जॉर्ब करने तक लो फ्लेम पर कुक कर लें। लगभग 1 मिनट बाद ढक्कन हटाकर सिवैयों को 1 बार चम्मच से अच्छे से हिला लें। देखिए, सिवैया बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इन्होंने सारा दूध भी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें गर्म शुगर सिरप ऐड कर लें, इसे भी सिवैयों में अच्छे से मिक्स कर लें। सिवैयों का कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। इसी स्टेज पर इसमें ड्राई फ्रूट्स और ग्रेटेड कोकोनट भी ऐड कर लें, इसे भी मिक्स कर लें। अब फिर से इसे ढक दें और शुगर सिरप एब्जॉर्ब होने तक और घी छूटने तक कुक कर लें। बीच में 1 से 2 बार इसे चम्मच से चला लें। जब सिवैया घी छोड़ दें तब इसमें मलाई और केवड़ा एसेंस ऐड कर दें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और फिर से जर्दे को ढककर 2 मिनट तक लो फ्लेम पर बिना खोले पकने दें। 2 मिनट बाद गैस ऑफ कर दें और सिवैयों के जर्दे को 15 से 20 मिनट या इससे ज्यादा देर के लिए बिना खोले दम पर छोड़ दें। ऐसा करने से जर्दा चिपचिपा नहीं रहेगा और खिला खिला बनेगा। ध्यान रखिए, सिवैयों के जर्दे की पूरी कुकिंग मैंने लो फ्लेम पर करी है। 20 से 25 मिनट बाद ढक्कन हटा दें और जर्दे को अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, सिवैया कितनी सॉफ्ट है और फिर भी जर्दा एकदम खिला खिला बना है। गर्म जर्दे को ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। आप सिवैयों के जर्दे की मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और रेसिपीज के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।